वेरि गुड इवनिंग क्लस फोर टूडे स्टार्ट चैप्टर थ्री अफ युक मेनी थिंगस यू नो अर्लियर तुम्हारा आगे क्लिस पढ़े एक्टा होमवर्क प्रथम दीची जतानो टिल देयर थर्टी स्पेलिंगस यू हेव टू रईट इन योर नोटबुक इन कार्सिव हाउ मे स्पेलिंगस

বা হয় হিন্দি बोलते होना और या घटना बांग्ला वाले ঘটে বা হওয়া কি কারণে ডিউ টু ডিউ টু মানে কোন কারণ से केयरलेसनेस অসাবধানিয় আমরা কেএলএস হয়ে যায় ধ্যান দি না উই শুড ফলো সেফটি রুলস টু অ্যাভয়েড অ্যাকসিডেন্টস আমাদের কে সেফটি রুলস ফলো করতে হবে অ্যাকসিডেন্টস কে অ্যাভয়েড করার জন্য অ্যাভয়েড মানে দূরে থাকা অ্যাকসিডেন্টস থেকে নাও সেফটি এট হোম স্লিপিং অন দা ফ্লোর

वाटरफॉल्स अगर पानी वगैरह कुछ गिर जाता है उसको पोच लेना चाहिए नंबर टू फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लिपरी किचन बाथरूम का जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए ज़्यादा पॉलिश नहीं होना चाहिए पानी नहीं जमना चाहिए इट मस्ट बी ड्राइंग ड्राइड एंड इट मस्ट हैव गुड स्लोप स्लोप मीन्स ढाल ढाल अच्छा होना चाहिए ताकि पानी अच्छे से बह जाए जल टा जानो भालो कोरे बोए चो जाए जल जानो ना जमें नंबर थ्री नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स यू मै ट्रिप ओवर देम कखनो टॉयज़ फ्लोर के ऊपर नहीं रखना चाहिए यू मै ट्रिप ट्रिप मीन्स पैर लग के आप गिर सकते हो तो पोते हमारा फायर इन द किचन एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी ना हो ले गए आग लग जाए किचन में तो बहुत सीरियस इंजरी मीन्स चोट लग सकता है हम लोगों को

बा कोना इलेक्ट्रिक स्विच जानो ऑन ना कोरिए हमारा क्या ना ऑन को लेने स्पार्किंग हो इलेक्ट्रिक स्विच स्पार्किंग चिंगारी निकलता हल्का हल्का और हल्का चिंगारी से भी गैस आग पकड़ लेगा डू नॉट पिक पिकअप एनीथिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव एवं अगर कुछ गैस के ऊपर चल रहा है अगर गैस इज ऑन जोल से तो उसको उठाना नहीं है उसके ऊपर से डू नॉट वीअर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन रानना कर का सिंथेटिक कपड़ पड़ा उचित न सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए किचन में क्योंकि वो जल जाता है जल्दी दे कैच फायर इजली और चिपक जाता है बॉडी से जलने के बाद सो इट मोर हार्म ज्यादा क्षति पहुंचाता है नंबर फोर नेवर प्ले विथ थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास कभी भी कांच की चीजों से नहीं खेलना चाहिए दे कैन ब्रेक इजिली एंड कॉज कट्स एंड वोट बड़े ही आराम से टूट सकता है और हमको चोट लग सकता है कट सकते हैं हम लोग कट्स एंड कट्स एंड वा कट कट जाना यानी चोट लग जाना इलेक्ट्रिक शॉक्स इलेक्ट्रिकल आर वेरी यूजफुल टू अस इलेक्ट्रिकल अपलायंसेस अपलायसेज यानी जो करंट से चलने वाले जो सामान है मिक्सर ग्राइंडर हो गया टोस्टर हो गया है ना बहुत सारी चीजें होती हैं माइक्रोवेव ओवन हो गया तो बहुत यूजफुल है बट इफ यू हैंडल दम केयरलेसली दे कैन बी डेंजरस एंड में गिव इलेक्ट्रिक शॉक्स लेकिन अगर हम उसको केयरफुली नहीं यूज करेंगे हमें जो केयरफुल भावे ना यूज करी तक किंतु हमारे इलेक्ट्रिक शॉक लगते पारे। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसके लिए हमको क्या करना है नंबर वन डो नॉट टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और स्विच विथ वेट हैंड्स और बेयर फुट कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कोई सामान जो है गिल और स्विच गीले हाथों से या नंगे पैर खाली पाए खाली पैर या गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए ठीक डो नॉट गो क्लोज टू हीटर्स और टेबल फैंस वन दे आर ऑन जब हीटर या टेबल फैन चल रहा हो तो बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आना है खूब काछे जाबे ना टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग दम स्विच बंद करके आप टच करो अगर लो हिलाना है टेबल फैन टाइम एक्टू ना टर्न ऑफ द स्विच बंद हो दी मूव करो ठीक डो नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट सॉकेट्स दिख रहा है आपको जो छेद वाले हैं जिसमें हम लोग प्लग डालते हैं इसको नहीं टच करना है कभी नेक्स्ट डो नॉट टच ए डैमेज वायर अगर तार कुछ खराब हो गया कट गया है केटे गया छिरे गया अच्छे नहीं टच करना यू में गेट इलेक्ट्रिक शॉक फॉर वेन समन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और यू नोटिस अ स्पार्क टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीडिएटली अगर आपने कभी देखा किसी को कहीं आप चिंगारी निकाला स्पार्क मीन्स चिंगारी निकल रहा है चिरिक चिरिक कोचे को, को था हो किसी को शौक लग गया है काओ के शौक ले गए क्या काम करना सबसे पहले घर में जहाँ मेन स्विच होता है उसको बंद करना आपको ठीक है जी मेन स्विच तो आगे बंद करता मेन स्विच बंद कर ली इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो अभी पॉइजनिंग पॉइजनिंग मीन्स यदि किचू विषाक्त हो कुछ जहरीला अगर किसी ने कुछ खा लिया हो

नंबर टू ऑल पॉइजनस केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर्स एंड डिटर्जेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन कुछ कुछ चीज़ें केमिकल्स है, होती हैं पॉइजनस जैसे कि आपका फ्लोर क्लीनर्स हो गया मतलब फिनाइल हो गया डिटॉल वगैरह जो भी है डिटर्जेंट्स यानी वॉशिंग पाउडर जो भी है साबुन धोने का कपड़े धोने का इसको छोटे बच्चों से दूर रखना है क्योंकि वो लोग क्या है कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं तारा जो को जीस पहली वो मुँह ठुकी ना इसे जो नहीं अच्छा देते हैं कि दूर रखता है अभी नंबर थ्री डो नॉट ईट स्टेल स्पॉइल्ड एंड एक्सपोज फूड समय स्टेल माने बासी स्पॉइल्ड माने खराब और एक्सपोज फूड मीन्स जो बिना ढका हो जेटा ढकना नहीं ये सब खबर खेते हैं ना इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग अगर ऐसा खाना खाएंगे तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा स्टे अवे फ्रॉम पॉइजनस केमिकल्स सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल

जो देखिए स्विंग्स स्विंग स्विंग्स स्विंग मतलब धोलना जिसको बोलते हैं अगर उसमें कोई झूल रहा है उससे दूर खड़ा होना चाहिए नहीं तो आके टक्कर हो जाएगा धक्का हो जाए नंबर फोर डू नॉट जम्प फ्रॉम द सी सो विद इन्फॉर्मिंग योर पार्टनर सी सो सी सो आई होप ऑल ऑफ यू नो सी सो दोनों साइड बैठ के जम्प करते हैं ऊपर नीचे तो बिना जो दूसरा आदमी है जो दूसरा बच्चा बैठा है उसको बिना बोले आप अचानक से नहीं उतर जाना है क्योंकि उतर गए तो दूसरे को एकदम से गिर के चोट लग जाएगा ठीक सेफ्टी इन स्कूल इन स्कूल मैनी एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर इन हरी टू अवॉइड सड एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स नंबर वन डू नॉट पुश ईच अदर स्पेशली ऑन द स्टेयर्स कभी धक्का नहीं देना एक दूसरे को खासकर कहाँ पर स्पेशली को था स्टेयर सीढ़ी ते क्या सीढ़ी ते एक धक्का मुक्की हो गई चोट लेके नंबर टू डू नॉट जम्प ऑन द बेंचेस बेंचे जम्प करते नहीं यू मे फॉल डाउन नंबर थ्री डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लासरूम क्लासरूम में किस फैलते नहीं फैली किंतु किसी को धक्का लग के गिर सकता है सेफ्टी ऑन द रोड केयरलेस ड्राइविंग एंड केयरलेसनेस ऑफ द पेडिस्ट्रियंस कॉज एक्सीडेंट्स ऑन द रोड तो केयरलेस ड्राइविंग यानी जो लोग गाड़ी चलाते हैं जरा चलाएं ठीक को है ना एवं केयरलेसनेस एवं जो लोग चलते हैं उसमें पैदल वो लोग भी केयरफुल नहीं होते हैं। किसका चलाते दोनों का ही जो केयरलेसनेस उससे क्या होता है एक्सीडेंट वी शुड फॉलो दी सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड नंबर वन ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ सब समय फुटपाथे चोल নাম্বার টু অলওয়েজ ইউজ জেব্রা ক্রসিং টু ক্রস দ্য রোড সবসময় জেব্র ক্রসিং দিয়ে রাস্তা ক্রস করবে ওয়ে দের ইজ নো জেব্রা ক্রসিং লুক ফার্স্ট টু ইউর রাইট দেন লেফট অ্যান্ড দেন টু ইউর রাইট আগেইন ওয়েন নো ভেহিকল ইজ কমিং দেন ক্রস দ্য রোড আগের জেব্রা ক্রসিং নেই হ্যাঁ নেই তা প্রথমে কোথায় তাকাবে রাইট সাইড দেন আগেইন লেফট দেন আগেইন লুক রাইট অ্যান্ড ইফ ইউ সি কোনো গাড়ি আসছে না তখন রাস্তা ক্রস করবে ঠিক नंबर थ्री नेवर क्रॉस अ रोड बिहाइंड द पार्कड व्हीकल। अगर कोई गाड़ी खड़ा है उसके पीछे से अचानक से जाकर आपको रोड क्रॉस नहीं करना है क्या क्यों नहीं करना है सपोज गाड़ी खड़ी है और उसके सामने से क्यों, क्यों गाड़ी आसा तुम्हारा देखते पाबेना तै तो गाड़ी जो डार कॉर्न तर पिछन थ तुम हेटे छूटे जाओ यू कैनॉट सी एनी वेहिकल कमिंग फ्रॉम दैट साइड क्या गाड़ी डे डाणी आ ग्डूर आज इन दैट केस एक्सीडेंट में आकर राइट नेवर होलो ऑलवेज फॉलो नेवर रन ऑन द रोड एम सी क्यूज यू ओन ठीक आज की हमरा अच्छा सो आई हैव गिवन वन होमवर्क अर्लियर सो फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पेज नंबर सेवेंटीन एंड एटीन You have to write 30 spellings, 30 good spellings in cursive writing, practice reading, and send a voice recording on my WhatsApp. Mind it, 30 spellings. Thank you very much.